हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि एक दो तीन चार नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ। और ये सब मोस्ट ऑफ दी सारा जो सामान है वो अंडर 200 रुपीज़ है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और मस्ट बाय। अगर चाहिए होगा तो मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब डीएम कर सकते हो आप, तो आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अभी जल्दी से अनबॉक्सिंग में ऑलरेडी इन प्रोडक्ट्स की कर चुकी हूँ, क्योंकि ये मुझे एक दिन में रिसीव नहीं हुए हैं। मतलब कभी कोई मुझे आज, कोई मुझे कल, मुझे ऐसे करके सारे रिसीव हुए हैं, तो मैं ये करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने पैकेट में इसलिए रखे ताकि आपके दिल में थोड़ी क्यूरियोसिटी रहे जानने की, नहीं क्या है इनमें। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने, और मैं आपको दिखाऊं कि आज मैंने पहनी हुई है ये साड़ी, और ये मेरा टॉप था जिसका मैंने एज अ ब्लाउज यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस साड़ी के साथ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर का ब्लाउज नहीं है। वैसे तो मेरे पास हैं, बट वो घर पे हैं, ग्रीन कलर के दो ब्लाउज हैं मेरे पास, बट ये इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वर्क है। और इसको लहरिया है ऐसा कुछ साड़ी बोलते हैं, और ये राजस्थान, हाँ वहीं की है ये। और ये साड़ी मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहाँ पे ली थी, वहाँ का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ उस टाइम पे कोई फेस्ट चल रहा था तो मैंने वहाँ पे ली थी ये। तो ये आप देख सकते हैं, और इसके साथ ये प्लेन काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मेरी साड़ी को। तो चलो अभी जल्दी से शुरू करते हैं, बट मैं पहले आपको पूरी लुक दिखा देती हूँ मिरर में, ताकि बाद में आप ऐसे ना बोलोगे हमें लुक नहीं दिखाई। चलो बैक कैमरा से लुक दिखाती हूँ। दिस इज़ दिस साड़ी, ऑलरेडी आप देख चुके होंगे शायद, पहनी तो मैंने एक भी बार नहीं है, बट मतलब वैसे आप देख चुके होंगे, मैंने दिखाई थी जब मैं लेके आई थी। तो ये साड़ी कैसी लग रही है, मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही। पहले मैं सोच रही थी यार मैंने क्या ले लिया, बट अब मुझे डाल के ना मुझे बहुत प्यारी लग रही है, स्पेशली इस ब्लाउज के, क्योंकि मैं पहले इसे किसी और के साथ ट्राई कर रही थी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताती हूँ, और आप भी ये बाय कर सकते हो, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, और डेली वेयर के लिए भी है, स्किन केयर भी है, और पार्टी वेयर भी है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं अनबॉक्सिंग, मतलब ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, बट आपके लिए मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये वॉश बैग है जो कि मैंने मीशो से मंगाया है, और इसके साथ बाय वन गेट वन है, और ये अराउंड मुझे 225 के अराउंड पड़ा था, और ये एक के साथ एक है, क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। इसमें छोटे वाले में मेकअप प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू मी, और इसमें दूसरा मतलब जैसे कि आपका शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, ऐसी ऐसी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब जैसे मैं आपको जो रखना हो, और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल भी है ये बैग, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और इसका प्राइस मतलब वैसे मैंने शॉप में पता किया था तो एक इस बैग का प्राइस ही वो कुछ 300 समथिंग बता रहे थे, तो मतलब ये बहुत ही अच्छा डील है, और ये थोड़ा क्लासी भी अच्छा लगेगा, मतलब अगर आप इसको कहीं भी जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या फिर आप किसी की शादी फंक्शन में जा रहे हो और ऐसे आपने अपना सामान इसी में अच्छे से कैरी करके डाला होगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, एंड ये है सेकेंड, ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, और ये है मिनिमलिस्ट का क्लींजर बोल सकते हैं, फेस वॉश बोल सकते हैं, और ये निकलेगा नहीं अब, ये बहुत अच्छा है, और ये ऑफर पे मुझे वैसे तो इसका कुछ 300 समथिंग इसका प्राइस है, बट ये मुझे सोचो 199 में रिसीव हुआ है ये, तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसको यूज़ करूँ, क्योंकि इसके पहले मैं सेटअपल का यूज़ कर चुकी हूँ, अब मुझे ये ट्राई करने का मन किया, तो मैंने तभी छोटा मंगाया, क्योंकि कोई भी चीज़ ना बहुत ज़्यादा लेने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी लो, उसको ट्राई करो, अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपको मतलब दुख नहीं होगा इतना। तो ये है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था, ओके। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, ये दो चीज़ें मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये ईयर टूल किट है, जिसमें आपको कान साफ करने के लिए बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं,
और ये अच्छी चीज है, वैसे होनी चाहिए। मतलब जो मेरे पास कान साफ करने वाले हैं या बट बट उनसे अच्छे से होते नहीं है, मतलब सच्ची बताऊं तो, या फिर मेरे कान ही ऐसे हैं पता नहीं क्यों। तो ये है, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे इनका यूज़ पता नहीं है, यूट्यूब पे देख देख के। वैसे इसका मुझे पता है, दिस वन, इसका पूरे कान साफ करने के लिए। और इसके साथ में ये ब्रश भी है इनसे गंदगी निकालने के लिए, तो इसको आप वॉश कर सकते हो किसी भी मतलब हैंड वॉश के साथ या किसी भी उसके साथ, क्योंकि ये पूरे मेटल के हैं। तो ये काफ़ी अच्छी किट है, इसमें आपको 7 or 8 टूल्स मिल जाते हैं। और इसके साथ बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उनके कान, अगर उनके कान में कुछ चला गया है, उनके कान को आप इतने अच्छे से साफ करना है तो आप इसके साथ कर सकते हैं। ये कुछ सस्ता सा माल है बट ऐसे इससे इसके इससे जैसे मेरे फेस पे देखो ये, तो आप अच्छे से देख सकते हो क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा परेशान, तो निकाल भी सकते हो। ये इसके साथ 2-3 और टूल हैं, 2 टूल और हैं मतलब ऐसे ही। तो इसको यहाँ से ओपन करके इसके साथ इसको निकाल के यहाँ से इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। और ये भी इसका प्राइस भी है, वेट लेट मी टेल यू प्राइस, इसका प्राइस इस पर नहीं है बट ये अराउंड 150 रुपये के अराउंड है ये प्रोडक्ट। ओके, मुझे याद है। और इसके बाद मैंने अपने लिए मंगाया था क्योंकि मुझे कुछ टाइम से ना फीवर आ रहा था बार बार, तो मैं यार कहाँ मैं जाऊँ बार बार फीवर चेक कराने, तो मैंने ना ये टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर मंगा लिया। और ये ऑटोमेटिक वाला है क्योंकि वैसे देखने में थोड़ी दिक्कत आती है, देख तो मैं लेती हूँ बट स्टिल दिक्कत आती है, तो ये मैंने मंगाया और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी पैकेजिंग देखो आप, 150 रुपये का, इसकी पैकेजिंग देखो आप। और ये सबके घर में होना चाहिए, मतलब मेरे पास था बट लास्ट टाइम जब हमने शिफ्ट किया था तो उस टाइम पे उस टाइम मिला ही नहीं हुआ मुझे, तो मैंने बोला चलो छोड़ो 150 रुपये की बात है, नया मंगा लो। ऑटोमेटिक है, इसमें सेल वेल सब कुछ डला हुआ है, ये देखो बीप की आवाज़ आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसको कोई भी बहुत ईजीली मतलब चेक कर सकता है फीवर, तो ये एक चीज़ है। और ये भी 150 के अराउंड ही मुझे मिली है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ भाई इतनी क्यूट क्यूट से, क्या ये बताऊँ मैं आपको, आपका दिल आ जाएगा। ये भी मैंने 150 के ही आए हैं शायद ही, हाँ 150, 160, 170 कह रहा हूँ। तो इसमें क्यूट क्यूट से पेंडेंट हैं लिटिल लिटिल से, और ये बहुत प्यारे हैं यार, देखो ये हार्ट शेप में है, रुको इसको मैं थोड़ा ऐसे करके, ये देखो जैसे थोड़ा नेक आपका डीप होगा तो उस पर बहुत, ये देखो पहन के दिखाऊं, वैसे करती हूँ ना ऐसे ज़्यादा, तब देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये एक है। और उसके बाद मतलब मैं चीज़ें कितनी यूनिक यूनिक सी ढूंढती हूँ ना यार, मैं कभी कभी ना मैं बहुत टाइम स्पेंड कर देती हूँ जब मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्योंकि आजकल मित्तू नहीं है यहाँ पे, तो मैं बहुत अकेली और बहुत बोर फील करती हूँ, सैड फील करती हूँ, तो मैं अपना टाइम यहीं पे स्पेंड करती हूँ ज़्यादातर मीशो पे। इसको आप ऐसे स्टार्ट करके भी पहन सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग करके भी, और इसमें एक पर्ल है बीच में, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। ओके, और मेरे पास ईयर रिंग्स तो मैंने ऑलरेडी पहले ले लिए थे बहुत सारे, तो ये किसी के साथ भी चल जाएंगे। और उसके बाद क्या बोलूँ मैं यार, मुझे ना जब ये मेरे को रिसीव हुआ ना, मैं इतनी खुश हो गई, मैं कि यार कितने प्यारे रिसीव हुए ना। अरे ये ना थोड़ा, हाँ अभी ऐसे ओपन हो गया, ओके ये फंसा हुआ था थोड़ा सा। तो ये डबल चेन वाला है और इसमें एक एक डायमंड सा लगा हुआ है और उसके ऊपर एक पर्ल है, और ये ऐसे जाएगा कि वेस्टर्न इंडियन किसी भी ड्रेस के साथ इसको वेयर करो आप, ये भी बहुत प्यारा है। ये है, अरे 33 है, और 4th वन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब उसको देख के तो आप बोलोगे कि यार ये एक ही, अगर आपने लेना होगा ना तो मैंने कौन सी शास्त्री मार्केट में मैंने देखा था, तो वो एक ये ही 100 रुपीज़ का दे रहे थे, तो यहाँ पे तो आपको एक के साथ में मतलब अगर इसका ये 100 रख रहे हैं तो मतलब दूसरे तो आपको कितने ही सस्ते पड़ रहे हैं फिर। तो देखो इसको आप एज अ हेयर एसेसरी भी यूज़ कर सकते हो। वाओ यार, ये तो मेरे दिमाग में जस्ट अभी ये बात आई, मेरे बालों में फंस गया ये। और इसको आप एज ऐसे भी नेकलेस भी यूज कर सकते हो। वाओ
बहुत प्यारा लग रहा है यार, पता नहीं मुझे इतना प्यारा लग रहा है, आपको भी लगेगा, डोंट नो। और इसका हेयर एक्सेसरी है, हेयर एक्सेसरी भी यूज कर सकते हो, कोई और हेयर स्टाइल करके बहुत अच्छा लगेगा। वाओ, ओके। सो लास्ट के मेरे ये इसका मैंने आपको प्राइस बता दिया, ओके। सो भी लास्ट के मैं आपको दो प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपने देखे होंगे। तो ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है और इसका मुझे एक दुख हुआ कि इसका बॉक्स टूटा हुआ है, और बॉक्स टूटा हुआ मत भेजा करो। ये भी मैंने मीशो से लिया है, फेस वॉश के अलावा सारे प्रोडक्ट्स मैंने मीशो से ऑर्डर करे हैं। बहुत लोगों को भय रहता है मीशो से ऑर्डर करने का, बट मैं बहुत जोखिम, दो तीन बार मेरे फ्रॉड भी हुआ बट स्टिल मैं फिर जोखिम ले लेती हूँ। तो ये है, ये जो इयररिंग्स हैं ये मुझे रिसीव हुए हैं 120 रुपीज़ के शायद, बट क्वालिटी है इनकी 120 के हैं। ये देखो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ये वाले इयररिंग्स, और बहुत इजी है ये पहनना। आगे वाली साइड से ये छोटा पहनना है और लग जाओ। वाओ, मतलब इसका तो ना क्या ही बोलूँ मैं, बहुत प्यारा लगा मुझे। और ये मैंने पता है क्यों मंगाया था, इसका भी एक रीज़न है, आपको बताती हूँ। कोई आइसक्रीम वाला तो आया नीचे, पर मैं खाती नहीं हूँ आइसक्रीम, मेरा वैसे ही कोल्ड नहीं जा रहा। ओके 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 ओके, यस। तो अब देखो ये, वेट, ऐसे मत जाओ, मैं तभी पूरा देख लो फिर बोलोगे बताया नहीं। एंड दिस वन, ये मैंने नेकलेस मंगाया था, ये भी अराउंड इतना कितने का था, 130-140 के अराउंड का था भाई। अरे ये आपको 130-140 का मार्केट में तो नहीं मिलेगा। देखो थ्री लेयर्स का पर्ल्स नेकलेस, और ये इन ईयरिंग के साथ कैसे लगेगा भाई, ये भी देख डाल के दिखाती हूँ मैं आपको। भूत बन गई, वेट वेट वेट, हाँ ऐसे इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। वाह, अरे रानी वाली फीलिंग आ रही है मेरे पास। वैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे रियल पर्ल का एक नेकलेस सेट पूरा योर विद इयररिंग्स गिफ्ट किया था, जुंडा मान से लेके, तो बिल्कुल रियल ओरिजिनल, वो मैं कम डालती हूँ मतलब मैं, क्योंकि गुम हो गया तो बड़ा फील होगा मुझे। मैं मेरे को कोई गिफ्ट देना, मैं उसको आधी चीज़ें तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाती उस चक्कर में। तो ये पूरा आप पूरा सेटअप सोचो कि थोड़ा महंगा हो गया ना, एक्सपेंसिव हो गया, वेट प्राइस में काउंट करती हूँ। दिस इज 39 पर नेकलेस, अच्छा ये 221 रुपये का है भाई, 221 का है ये। और दूसरा मैंने कौन से निकाला था, इससे निकाला था शायद, नहीं इससे नहीं निकाला था, किसी से निकाला था। तो मतलब 221 इतना रख लो कि आपका 250 रुपये 150-200, हाँ 250 रुपये तक का ये आपका पूरा बन जाएगा। और ये कितना रॉयल लग रहा है, और इसको भी आप एज अ हेयर एक्सेसरी के टाइप में यूज़ कर सकते हो, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग आपको मेरा पसंद आया या नहीं पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है आपको बाय करना होगा तो लिंक अपनी बहन से दीक्षा से मांगना, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज। एंड बाय, लव यू, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।